हाइपोथैलेमस, डिस्कस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इफ यू रिमेंबर इट्स लाइक जस्ट बिलो थैलेमस, इट लाइक जस्ट बिलो थैलेमस। ओके, हमने डिस्कस किया था ना ऊपर की तरफ एपिथैलेमस, नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस, राइट। तो इट इज ए कनेक्शन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों टाइप के सिस्टम्स के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसको हाइपोथैलेमस है। और ये कनेक्शन है किसके थ्रू? ये कनेक्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। दिस कनेक्शन अकर्स थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सो हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड और सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल एंडोक्राइन सीक्रेशंस, इट इज कॉल्ड मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड और सुप्रीम कमांडर। व्हाट्स आप जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। अब जो हाइपोथैलेमस में सेल्स हैं वो नो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती, दे कैन बी इनहिबिटरी और दे कैन बी स्टिमुलेटरी हार्मोन्स। तो सर कौन से सेल्स जो है उनको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहते हैं। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स 9 हार्मोन्स, 9 हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इसलिए उनको न्यूरो हार्मोन्स भी कहा जाता है, क्योंकि नर्वस भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, सो दे आर कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स। तो उनके नाम क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है ARH, ARH इट इज नोन एज एड्रेनोकोर्टिकोटिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रेनो कोर्टिको ट्रोपिक, सॉरी एड्रेनो कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और ARH। या सिंपली इसको सीक्रेट से ACTH। आई नहीं रहा अरे भाई तेरी आवाज साफ आती नहीं है, क्या बोल रहा है भाई? सर वो सीक्रेट से आगे क्या लिखा दिख नहीं रहा, वो रिफ्लेक्शन आ नाइन रहा है। हार्मोन, नाइन नाइन नंबर है, नंबर नाइन, नाइन नाइन हार्मोन्स, ठीक है। यस सर ओके, इसलिए इसको ACH भी कहते हैं, ACTH, ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या ARH कह सकते हैं। दूसरा है जो हार्मोन या न्यूरो हार्मोन यहां से सीक्रेट होता है दैट इज नोन एज GIH, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन GIH। थर्ड वन और थर्ड हार्मोन इज SRH, सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक या सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक बार मैं सारे नाम लिख रहा हूं उसके बाद बताऊंगा कैसे होता है इनका रेगुलेशन। सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन
GnRH gonadotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone जो सेक्स हॉर्मोन्स गोनेडोट्रोपिन हमने पढ़े थे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, सेवंथ वन इज PIH antagonistic हो गए, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, एट इज मेलानोसाइट रिलीजिंग एंड नाइन इज मेलानोसाइट इनहिबिटिंग, MRH एंड MIH, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, melanocyte inhibiting hormone. तो ये नाइन secretions होती हैं जो hypothalamus से produce होती है. Actually ये क्या है, ये जितने भी neuro hormones हैं they act on cells of pituitary gland. Pituitary gland के जो lobes हैं उनको stimulate या inhibit करते हैं to produce their hormones. डायरेक्टली सिर्फ दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से, बट दीज न्यूरो हार्मोन्स एक्ट ऑन सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने हार्मोन सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं, या उनके सिक्रेशन को अगर ज्यादा हुई तो इनहिबिट करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. आपको सिर्फ इतना याद रखना है इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी हार्मोन्स या रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस. क्लियर? क्लियर. या स्टिमुलेटरी जिसको हम रिलीजिंग कह रहे हैं, या इनहिबिटरी तो पेयर्स में है, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन पहले स्टिमुलेट करेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कि मेलानोसाइट सीक्रेट हो, अब उसकी अगर सीक्रेशन ज्यादा होगी तो फिर से उसको रेगुलेट करेगा, उसकी सिक्रेशन को कम करेगा बाय MIH मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन. इसी तरह GIH ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, तो सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग पहले बढ़ाया प्रोड्यूस किया ग्रोथ का, इधर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिशन दोनों काम कर रहे हैं. ठीक है, तो सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशंस को इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, फोर्थ वाले का नाम बता दो फिर से, थायरोट्रोपिन. हाँ, थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. अब जब हम पिट्यूटरी डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा हाइपोथैलेमस सुप्रीम कमांडर या मास्टर ग्लैंड, लेकिन अभी चेंज हो गया है, अभी पिट्यूटरी क्योंकि हाइपोथैलेमस को रेगुलेट कर रहा है इसका, सो पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है. Pituitary gland is called ये हालांकि old concept है क्योंकि pituitary की secretion को भी कौन control कर रहा है, सारे के सारे hypothalamus. तो supreme commander hypothalamus है, कई जगह पे आपको मिलेगा pituitary gland is master gland, but pituitary की secretion को कौन control कर रहा है, hypothalamus. Yes, so hypothalamus is master endocrine gland. Master endocrine gland. Right?
यस सर। अब इसमें देखो दोनों का कनेक्शन आपको दिखाऊंगा डायग्राम। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में लोब्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड है लोब्स, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। ये एंटीरियर लोब होगी, एंटीरियर लोब, एंड दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब। और एंटीरियर लोब का ही एक पार्ट कहलाता है इंटरमीडिएट लोब या मिडिल लोब। छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट लोब, जिसको मिडिल लोब भी। तो एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर लोब, तीन लोब्स होती है, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर लोब। क्लियर? यस सर। इनके दूसरे नाम भी हैं एड्रेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एड्रेनोहाइपोफाइसिस कहते हैं इसको, हाइपोफाइसिस या पार्स डिस्टलिस, पार्स डिस्टलिस भी कहते हैं इसको, इसको पार्स नर्वोसा कहते हैं, या न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड इट इज कॉल्ड पार्स मीडिया। ये नाम दूसरे हैं बाद में, ठीक है। अब मैंने हाइपोथैलेमस में आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में जो सेल्स पोस्टीरियर और ये इंफीरियर, तो इसके बीच वाले का नाम क्या था? पार्स मीडिया, मिडिल, इंटरमीडिएट। ओके सर। सर वो पार्स डिस्टेलिया है एंटीरियर लोब, डिस्टलिस, डिस्टलिस, तो वो सेल्स क्या कहलाती हैं? हाइपोफाइसिस की जो हार्मोन सीक्रेट करती है, देयरफॉर न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। अब ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पोस्टीरियर लोब में तो डायरेक्टली जाएंगी, ठीक है, एंड उनकी जो ब्रांच एंडिंग है वो ब्रांच हो जाएगी। लाइक दिस, ठीक है, दे ओपन हियर इन पोस्टीरियर लोब और यहां पर उनकी ब्रांचिंग है, क्लियर। ऑन अदर साइड इन एंटीरियर लोब देयर फॉर्म्स अ नेटवर्क, जो कैपिलरी नेटवर्क बन जाता है यहाँ पे। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस तरह से एक कैपिलरी नेटवर्क बना देता है। So this is capillary network. सर एक बार ये सर ये क्या था ये आपने कहा? ये सर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एक और आपने बताया ना? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो सेल्स हाइपोथैलेमस के हार्मोन सीक्रेट करती हैं, therefore न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। सर इनकी पोजीशनिंग बताना एक बार डायग्राम में। पोजीशनिंग कुछ नहीं होती, हाइपोथैलेमस में कहीं पे भी हो सकती है ये। ओके सर, ठीक है। कैपिलरी नेटवर्क क्या होता है? जहां पे आर्टरी और वेन मिलती है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी नेटवर्क। अब ये जो कैपिलरी नेटवर्क है, जाके ओपन होता है या यहां मिलता है, ये कहां पे नीचे जाके
एंटीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड opposite to anterior lobe of pituitary gland इस तरह से यहाँ पे ये network बन गया कैपर this is कैपर का network हो hypothalamus का ये तो and this is कैपर का network हो anterior lobe इस तरह से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन होता है तीन लोब है एंटीरियर लोब मिडिल लोब और पोस्टीरियर लोब पार्स डिस्टलिस पार्स मेडिया एंड पार्स नर्वोसा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है हाइपोथैलेमस की दे आर अटैच्ड हियर ओके नाउ ईच लोब secrete different hormones. So now I will discuss hormones of anterior, middle and posterior lobe. ये मैंने सिर्फ इस आपको connection बताने के लिए समझाने के लिए बताया कि कैसे hypothalamus और pituitary connected होते हैं. Now hormones of anterior lobe of pituitary gland. या hormones of anterior lobe. Hormones of anterior lobe. So anterior lobe से जो पहला hormone secreted होता है, that is GH or somatotropin hormone. First one is growth hormone या somatotropin hormone. हमने देखा था ना SIH और जीएच ग्रोथ हार्मोन के लिए सो सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं सो ये क्या करेगा ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करेगा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जब प्रमोट होगा तो नेचुरली ग्रोथ इज हायर और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है दो काम करता है कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है एंड कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज जिसे एनर्जी रिक्वायरमेंट सर यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा दिख नहीं रहा है सर वहां पर रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का दिख नहीं रहा कोई बात नहीं सुन तो रहा है कैल्शियम आया कैल्शियम अब्सॉर्प्शन एंड कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज दो मेन फंक्शन करता है सोमेटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन कि नेचुरली ग्रोथ का मतलब जो बोन्स की ग्रोथ होगी तो उसके लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी ग्रोथ का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है सर वो अब्सॉर्प्शन से पहले का लिखा है कैल्शियम आयंस आयनिक फॉर्म में लिखना था येलो देसी तरीके से लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हैप्पी नाउ सेकंड हार्मोन इज सर आपकी स्क्रीन ही ब्लर आ रही है आवाज सुन रही है सर आवाज तो सुन रही है बस सर मैं अभी थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पीपल मेक वीडियो एज वेल एज टेक लाइव क्लास नैन्सी स्टॉप इट वंस सर लवे यस सर स्टार्ट हो गई तो पहला ग्रोथ हार्मोन है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है क्लियरली आवाज आ रही है एक चीज को तीन बार मैं रिपीट कर रहा हूँ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं उसको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है दो बातें मैंने सिंपल बताई ग्रोथ हार्मोन में कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन क्योंकि बोन्स की ग्रोथ होगी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बताया नहीं मैंने
उसके बाद सेकंड वन इज टीएसएच, सेकंड हार्मोन इज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट करने का मतलब बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। सो इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो आयोडीन आपके एक में हेल्प करेगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि थायराइड ग्लैंड आयोडीन से रिलेटेड होता है। सो आयोडीन अपटेक और थायराइड ग्लैंड के अगर आपको हार्मोन याद हो तो T3, T4 एंड थायरोक्सिन, T3, T4 और सॉरी कैल्सिटोनिन, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो उसमें से T3 और T4 किस सिक्रेशन में उसका रिलीज मैं करता है, सिक्रेशन ऑफ हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, ट्राइएडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन। T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। उसके बाद है प्रोलैक्टिन हार्मोन, वही सारे हार्मोन है जो हमने हाइपोथैलेमस में पढ़े थे। प्रोलैक्टिन हार्मोन वो एक्चुअली रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, प्रोलैक्टिन हार्मोन या प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एक ही बात है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैमोट्रोपिन, इट इज ऑल्सो नोन एज मैमोट्रोपिन, मैमोट्रोपिन। इट इज कॉल्ड एज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन और मैटरनिटी हार्मोन, इसको मैटरनिटी हार्मोन भी कहा जाता है, मैटरनिटी हार्मोन। देखो याद रखना, इसको क्वेश्चन आता है, एक है प्रोलैक्टिन, एक वर्ड आगे आएगा ऑक्सीटोक्सिन, क्या वर्ड आएगा ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन मिल्क इजेक्टिंग है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग है, फर्क है दोनों में, दिस इज मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग, फीमेल्स में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है that is due to prolactin, ठीक है, okay sir। और जो ऑक्सीटोक्सिन है उसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, आगे आएगा। उसके बाद गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये तीनों जीएच ग्रोथ के लिए हो गया, ये थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन के लिए हो गया, प्रोलैक्टिन को मैमोट्रोपिक या मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कह रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज, ये सारे एंटीरियर लोब के ही है अभी, यू नो। फोर्थ वन इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, फोर्थ इज गोनाडोट्रोपिक या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH आ जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको नहीं, आपको अभी नहीं पता है कि जो एक्सेल है दैट इज कॉल्ड फॉलिकल, ठीक है, जो ह्यूमन फीमेल में जो गैमेट होता है, एक्सेल होता है, उसको फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। क्या ये वाला फोर्थ वाला फिर से बता दो, गोनेडोट्रोपिक। जो गोनेडोट्रोपिक का मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारे गोनेड्स टेस्टिस और ओवरी को गोनेड्स कहते हैं, तो यहाँ पे हम फीमेल की बात कर रहे हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है फीमेल में, क्या होता है, फॉलिकल से क्या बनता है, फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर
मैच्योर है, इसको एग सेल कह देते हैं बाद में। तो फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इस हार्मोन को एफएसएच भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एफएसएच क्या करता है, ये तो एग की फॉर्मेशन में हेल्प कर देता है, एग की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन सीक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, पहले बताया था मैंने इस्ट्रोजन। यस, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, बट मेनली इस्ट्रोजन की सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल में, लेकिन गोनेट तो मेल में भी होता है। okay, sir. Gonads are also found in males. Gonads में male, male में जो gonad है उसको क्या कहते हैं? Testis. ठीक है? तो male में ये spermatogenesis. Males में spermatogenesis. Process of sperm formation. Sperm formation में help करता है. ये उसको stimulate करता है. तो females में egg, egg cell. फीमेल गैमेट हो गया, मेल गैमेट इज स्पर्म, तो मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो गया। उसके अलावा फीमेल में तो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन है, उसकी सीक्रेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, यस सर। उसके बाद एक और हार्मोन है यूटिनाइजिंग हार्मोन, यूटिनाइजिंग हार्मोन तेरे मेल के आगे जो लिखा हुआ है ये यूटिनाइजिंग, ये जो मेल के आगे लिखा हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये भी फीमेल में एक्टिव होता है, फीमेल में एक स्ट्रक्चर होती है पॉलीसोल्यूटियम, तो मेल में अलग तरह से काम करेगा, फीमेल में अलग तरह से काम करेगा। तो पहले फीमेल की बताता हूँ, फीमेल में कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर होती है उसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स कॉर्पस ल्यूटियम to produce progesterone hormone, to produce progesterone hormone. So progesterone hormone कौन secrete करता है? Corpus luteum. ठीक है? Under the influence of luteinizing hormone. फिर कौन secrete करता है progesterone? भाई मेरे को तो बोल लेता एक बार, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम में उसके वजह से क्या कर रहा है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है ह्यूमन फीमेल्स में। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम को टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और मेल्स में, ह्यूमन मेल में LH प्रोड्यूस हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंड्रोजन्स, हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंड्रोजन, एंड्रोजन मैंने बताया आपको पहले, मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड एज एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन के लिए कॉमनली प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन। ठीक है, यस सर। ओके, तो ये हो गए सारे हार्मोन किसके, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के, दीज आर हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, मिडिल लोब से सिर्फ एक हार्मोन सीक्रेट होता है और पोस्टीरियर से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है सर, मिडिल लोब से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिडिल लोब सीक्रेट one hormone MSH, melanocyte stimulating hormone, melanocyte
स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, MSH, और ये स्किन पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेस्पॉन्सिबल और किसके लिए? स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, स्किप SKIP पिगमेंटेशन, जो डार्कनिंग हो जाती है स्किन की, दैट इज स्किन पिगमेंटेशन। अच्छा सर, स्किन। ओके सर। और सर, जो पिछली क्लास में बताया था ब्रो ऑन, वो डिसऑर्डर की वजह से होती है, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। वो आई के नीचे वो तो डिसऑर्डर था सर। नाउ लास्ट इज हॉर्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से दो हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन को ADH भी कहते हैं। ADH, ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन मैंने बताया था ना, इसको मिल्क इजेक्टिंग, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूसिंग था, ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। इजेक्टिंग, यस, इट इज बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। Yes, sir. बर्थ हार्मोन, सॉरी, ठीक है, मिल्क इजेक्टिंग बर्थ हार्मोन और एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये वाटर रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन, हेल्प्स इन वाटर रीअब्सॉर्प्शन from DCT, distal convoluted tubule, kidney से, it helps in water reabsorption from DCT, distal convoluted tubule। तो दो हार्मोन है, ऑक्सीटोक्सिन जिसको बर्ड हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं, सेकेंड वन इज वैसोप्रेसिन और ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन which helps in water reabsorption from distal convoluted tubule और साथ में डायरेक्टिंग डक्ट। सर DCT का फुल फॉर्म बता देंगे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सर DCT का किडनी बड़ो हाइपोसिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी। Disorders of pituitary gland। सबसे पहली बार दो आज की सब, सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो उसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो जाएगा, लेस प्रोडक्शन सिक्रेशन ऑफ GH और सोमेटो एक्रोमेगैली। आपने अपने अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा कुछ लोगों की जो जो लिम्स हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, हाथ पैर बहुत लंबे होते हैं, फेस बहुत लंबा सा हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो ये एक्सेस सीक्रेशन ही है, एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर रीचिंग एडल्ट स्टेज। एडल्ट्स में अगर जीएच ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की ज्यादा सिक्रीशन हो जाए, सो एक्सट्रीमिटीज
जैसे लेंस हो गए, मतलब अभी मैंने वही बोला एक्सट्रीमिटीज का मतलब लिम्स। सर वो आवाज नहीं आ रही थी। एक्सट्रीमिटीज मतलब लिम्स बिकम्स लार्ज। कि आपने देखा होगा या तो हाथ पैर बहुत लंबे लंबे होंगे या एकदम से मुंह बहुत इलोंगेटेड सा हो जाता है, दैट इज ड्यू टू एक्रोमिगैली। फोर्थ वन इज सिमर्स डिजीज। सिमर्स डिजीज ट्यूमर हो जाता है अगर एंटीरियर लोब में, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में ट्यूमर, ट्यूमर इन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दैट कॉजेस सिमर्स डिजीज पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज कॉल्ड सिमर्स डिजीज। ठीक है। एंड डायबिटीज पहले मेलिटस पढ़ा था हमने इंसुलिन के केस में, और मैंने कहा था दो तरह का डायबिटीज होता है, डायबिटीज वो मेलिटस था या फिर डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, लास्ट जो हार्मोन हमने पढ़ा था एंटी डायबिटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन ड्यू टू लैक ऑफ एडीएच, ड्यू टू लैक ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है। उसमें क्या होता है तो यूरिन बहुत डायल्यूट हो जाता है, यूरिन बिकम्स डायल्यूटेड, वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता from distal convoluted tubule and collecting duct। ठीक है। So dwarfism less, giantism excess। excess ही है लेकिन adult stage पहुंचने के बाद जिसकी वजह से extremities large हो जाए that is acromegaly, tumor हो जाए pituitary gland में anterior lobe में that is Sinus disease, और ADH less secretion हो that is diabetes insipidus। So these are the different hormones and their efficiency। सर एक बार ये बताओ Simmons disease क्यों होती है? Tumor बन जाता है जो anterior lobe है pituitary gland की, उसमें tumor हो जाता है। इसलिए disease होती है या फिर यही disease? ये disease है। उसी को कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे मेन ग्लैंड थे आपके जिनसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जैसे ही मैंने बताया था आपको हार्ट, हार्ट भी हार्मोन सिक्रेट करता है, लीवर या स्किन, हार्ट सिक्रेट्स एएनएफ एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर हार्ट से एएनएफ सीक्रेट होता है, हार्ट सीक्रेट्स एएनएफ। ठीक है। ये क्या करता है, ये किडनी के रेगुलेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन किडनी रेगुलेशन, हेल्प्स इन किडनी रेगुलेशन, किडनी फंक्शनिंग। इसी तरह लीवर से रेनिन सीक्रेट होता है, लीवर सीक्रेट्स रेनिन हार्मोन, लीवर सीक्रेट्स रेनिन हार्मोन। ठीक है। रेनिन हार्मोन की तरह काम करता है, स्किन से स्किन में विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, स्किन में विटामिन डी सिंथेसाइज होता है।